हाय गाइस, तो अगर मैं अपने घर के लिए कलर चूज करने वाला हूँ और अगर मैंने सोचा है कि रेड कलर करना है या येलो कलर करना है, ब्लू करना है या ग्रे या बेज, तो वो स्पेसिफिक कौन से कलर कोड्स होंगे जो मैं चूज करने वाला हूँ, जो कि यूनिवर्सल कलर्स हैं, जो कभी खराब नहीं लगेंगे किसी भी दीवार पर। और गाइस, जो मैंने इस कलर में सेगमेंटेशन किया है उसमें एक चीज का और ध्यान रखा है, और वो क्या है, वो ये है कि जो मैंने कलर्स चूज किए हैं, एक जो है वो थोड़े से डार्क यानी कि ह्यू में है और एक थोड़े से टिंटेड में है, मतलब कि थोड़े से ब्राइट कलर्स हैं। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हो कि आपका टेस्ट क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेकोच पे, और मैं आपका टेकोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावार, जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रेक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे हम आपको अपने घर को डिजाइन करने के वो टेक्निक्स और ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप अपने घर को सुंदर तो बना सकते हो, साथ के साथ आपके साथ जो मार्केट में स्कैम हो सकता है उनसे कैसे बचना है वो हम इस चैनल पे आपको वीडियो के थ्रू समझाते हैं। तो गाइस, जब मैं सबसे पहले फर्स्ट साइड जो मैं कर रहा था, तो क्लाइंट ने मुझे बोला कि यार मनीष, मुझे ना अपने घर में एक ब्लू कलर चाहिए और एक ग्रे कलर चाहिए। तो जब मैंने पहली बार कलर पैलेट देखा, थोड़ा देखो राइट, तो ये कलर पैलेट देख के तो मेरी भी आदत टाइट हो गई यार, इतने सारे ब्लूज होते हैं, तो अभी कैसे पता लगा है कि कौन सा ब्लू, कौन सा ग्रे, कौन सा ऑरेंज बेस्ट होता है। और अगर ये वीडियो कोई फीमेल देख रही है तो वो समझ पाएंगे कि अगर वो एक लिपस्टिक का शेड चूज करने जाती है तो उसमें भी कितने सारे शेड्स होते हैं, तो घर के लिए कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रेड जो है वो बेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कलर कोड्स वो देने वाला हूं जो यूनिवर्सल है और जो सबसे अच्छे लगते हैं, और इनको मैंने किस हिसाब से आपस में बांटा है ये आपको देख के मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारा एक सपना है भाई, पूरे इंडिया को सुंदर बना के रहेंगे। तो सीधा चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे जहां पे मैंने कलर कोड सारे दिए हुए हैं, तो लेट्स गेट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिन्हें न्यूट्रल कलर पसंद है, ये है बेज थीम, मतलब कि बेज में अगर जाने वाले तो उनके कौन से कलर होंगे। ये सारे कलर कोड जो है वो एशियन पेंट्स के थ्रू हमने लिए हुए हैं, जिससे कि आप मार्केट में जाओगे सीधा एक कोड दिखाओगे, और जो मैंने फोटो दिखाई है ये एक्चुअली ट्राई एंड टेस्टेड है, जो कि एक ऐसा ही कलर बाद में भी आपको दिखाई देगा। तो ये है बेज थीम। अब बात करते हैं ग्रे थीम की। यार ग्रे जो होता है, जो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर जो पीछे कलर था वो ग्रे कलर था। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी वॉल पे पीछे जो कलर है वो कौन सा है, तो उस ग्रे के साथ साथ जो ग्रे की थीम होती है वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं येलो कलर की। भाई येलो मतलब किसी को डल येलो पसंद है, किसी को कोई ब्राइट येलो पसंद है, या किसी को एक डल ना ब्राइट लेकिन बीच का येलो पसंद है। एग्जांपल के तौर पे इसलिए मैंने इसको तीन अलग अलग सेगमेंट में बांटा है, जैसे कि रॉयल येलो, मस्टर्ड येलो एंड लेमन येलो। अब इन तीनों के हिसाब से जो दो कलर्स होंगे बेस्ट वो मैंने यहाँ पे कोड डाल दिए। अब देखते हैं पहले येलो कलर के, तो स्टार्ट फ्रॉम रॉयल येलो। अब बात करते हैं मस्टर्ड येलो की। अब बात करते हैं लेमन येलो की। अब आते हैं हम रेड पे, कि बस जिनको थोड़ा सा रेड फैमिली में जाना है या रेड कलर से थोड़ा प्यार है। क्यों? क्योंकि रेड भी वास्तु एरिया में बहुत माना जाता है, जैसे जो हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। मुझे उतना डिटेल में वास्तु को पता नहीं, बट कहते हैं रेड ग्रे और ये सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन घर के अंदर कहीं ना कहीं पिंज होना चाहिए। तो उसके हिसाब से रेड को जो हमने बांटा है वो बांटा है चार कैटेगरी में। क्या क्या है? वाइन रेड, मरून रेड, ब्लडी रेड एंड टेराकोटा रेड। दैट्स इट। और ये सारे नाम आपने सुने होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम वाइन रेड, और इनकी फोटोज देखते रहना क्या फील आती है। और यार बहुत मेहनत करती है पीपीटी बनाने में, लाइक और सब्सक्राइब फटाफट कर दो, नहीं आ रहा समझ में तो वो भी बता देना, तो वो भी हम और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाइन रेड के कलर्स हैं। अब बात करते हैं मरून रेड की। अब बात करते हैं ब्लडी रेड की। अब बात करते हैं टेराकोटा रेड की।
अब हो सकता है ये कलर आपको फोटो में आपकी मोबाइल स्क्रीन में हो सकता है अलग लग रहे हो, लेकिन इसलिए हमने कोड इनके दिए हुए हैं। मोबाइल में हो सकता है आपके मोबाइल की स्क्रीन में कुछ और होगा, मेरी स्क्रीन में कुछ और दिखा, रेजोल्यूशन का अलग फर्क पड़ जाता है, लेकिन आपको ये कलर जाके आप अपने नियरेस्ट स्टोर पे जाके शेड कलर से चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ब्लू की, भाई ब्लू में तो कौन सा कलर, कमेंट करके बताना आपको कौन सी कैटेगरी पसंद आई, रेड, ब्लू, येलो, पर्पल या और कौन सी फैम। तब बात करें तो ब्लू में को हमने बांटा है स्काई ब्लू में, रॉयल ब्लू में, नेवी ब्लू में, डस्टी ब्लू में और टर्कोइज ब्लू में। दैट्स राइट, पहले बात करते हैं स्काई ब्लू की। अब बात करते हैं ग्रीन कलर की, कि ग्रीन में हमने किस किस में बांटा है, हमने बांटा है सी ग्रीन में, टील ग्रीन में, ऑलिव ग्रीन में एंड लेमन ग्रीन में। होता है ना कच्चा जो नींबू होता है उसका जैसा कैसा कलर होता है उस। इसमें एक ट्रिक और बताऊंगा कि अगर मेंस लोग जा रहे हैं पेंट की दुकान पे और कलर चूज करने के लिए तो उन्हें कौन सा कैटलॉग उठाना, और अगर कोई विमेन जा रही है एक स्टोर पे पेंट सेलेक्ट करने के लिए, पहली बात तो आप दोनों को साथ नहीं जाना है, और साथ जाना है तो कौन सा कैटलॉग देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं पर्पल फैमिली की, और लड़कियों को थोड़ा सा ये वाला शेड कुछ ज्यादा ही पसंद होता है, तो इस कलर के सेगमेंट को अलग करते करते मेरी हालत भाई टाइट हो गई। 2 दिन लग गए मेरे को ये कलर सेगमेंट निकालने में कि यार इसमें कौन सा सेगमेंट, क्योंकि ये तो मैं सब अभी बता रहा हूँ और पर्पल की फैमिली में और 20-25 टाइप के शेड है, तो वो कौन से कलर होंगे जो आपको तो अच्छे लग रहे हैं बट वॉल पे अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। ये वो कलर शेड है कि अगर वॉल पे आपने किए तो डेफिनेटली ये बुरे नहीं लगने वाले, ये मेरी एश्योरिटी है। अगर आप ये कलर करोगे तो अच्छे ही लगेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लिला, अब तक जो आपने कलर शेड्स देखे वो शेड्स थे जो यूनिवर्सल हैं, जो हर जगह अच्छे लगने वाले हैं। इसमें मैंने रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन और ऑरेंज और साथ के साथ बेज और ग्रे को मैंने पकड़ लिया है ऑलमोस्ट, और वाइट। कमेंट करके बताओगे हमारा वाइट, जो आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हुई है कि जो वाइट है जो मैं सब कमेंट करता हूँ, कमेंट करके बताओ वो कौन सा वाइट होने वाला है। और जो वो 2 ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि वो 2 ट्रिक आखिरी बताऊंगा, वो ट्रिक क्या होनी है। ट्रिक नंबर 1, कि अगर आपके घर में पुट्टी का बेस बनाए या पुट्टी करवा रहे हैं तो हमेशा आपको शीन फिनिश लेनी है, सेटिन या मैट फिनिश नहीं लेना है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप फोटो देख पा रहे हो, ये वाली फोटो देखो, ये देख रहे हो वॉल एकदम स्मूथ दिख रही है, लेकिन वो पुट्टी में अचीव करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को लेना। एक्रिलिक पुट्टी है तो पॉसिबल है, लेकिन वो भी सैंडिंग जो होती है वो मशीन के थ्रू होनी चाहिए। तो अगर पुट्टी नॉर्मल वाली है तो वहाँ पे आपको कौन सी फिनिश रहनी है, नॉर्मल, जो शीन या ग्लॉस वाली फिनिश होती है। लेकिन अगर आपका POP का बेस है, और हाँ पेंट की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जाके उसे देख लेना, POP वर्सेस पुट्टी, वो वीडियो कर डाल दिया, बहुत पुरानी वीडियो है, और तब तो मैं इस टाइम पे बोलता भी इतना धीरे धीरे था, इतनी जल्दी जल्दी नहीं बोलता था, तो वो वीडियो देख लेना, लिंक आई बटन में है। और पहली ट्रिक तो मैंने बता दी थी, दूसरी ट्रिक रह गई थी उसमें, ये जो मैंने शेड कार्ड मंगाया था वो लीफलेट वाले शेड कार्ड रखे अंदर से निकाल के दे। अब जो सेकेंड ट्रिक है वो ये है कि अगर मेन लोग, मतलब हम लोग अगर जा रहे हैं दुकान पे या शॉप पे या आपकी जो भी स्टोर है नियर बाई वहाँ पे आप जा रहे हो और मेन जा रहा है, तो उसको इस टाइप का कलर कोड बिल्कुल भी नहीं देखना है,
नहीं तो आप फंस जाओगे। और इस पर्टिकुलर शेड गार्ड में 2200 कलर हैं, दैट्स राइट 2002। तो अगर मैं बात करूं गलती से भी कि नहीं मनीष वी आर स्मार्ट हम कर लेंगे, तो अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूज अगर दिखाऊंगा तो ब्लू के शेड आपको थोड़े से देख लेने चाहिए कि इससे पहले कि आप इस शेड कार्ड को, ये ब्लूज है खुल भी नहीं पाएंगे इतना है, ये पूरा गोल चक्कर भी बन जाएगा, ये अभी पूरे निकल पा रहे हैं देख रहे हो। तो मेंस को यहाँ नहीं जाना है, हाँ अगर जहाँ विमेन्स हैं लड़कियां हैं वो इसको बखूबी कर लेंगी क्योंकि उन्हें कलर के लिए शेड्स पता है, क्योंकि हमें जो कलर पता होंगे। तो अगर कोई मैन इस वीडियो को देख रहा है तो एक काम करो, कितने टाइप के शेड्स होते हैं ना जरा लिख के बताओ, और ब्लू में नहीं ग्रीन में बताओ कि ग्रीन में कौन कौन से शेड्स आप जानते हो। हाँ और अगर आपके साथ आपकी वाइफ या आपके साथ कोई लड़की जा रही है तो उसके लिए ये कलर शेड सबसे बेस्ट है। और मेंस लोगों के लिए जो कलर शेड है वो है भाई ये वाला, जिसके लिए ब्लू, ब्लू में स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, नींबू ग्रीन, तो उनके लिए ये वाला शेड जो कि बनाया गया है। अब देख रहे हो एशियन पेंट ने, अब अदर जो क्या बोलते हैं अदर कंपनीज हैं उन्होंने भी इस टाइप के शेड कार्ड इसलिए निकाले हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए ब्लू का मतलब दो ही कलर है, स्काई ब्लू और नेवी ब्लू, तो उनके लिए ये शेड कार्ड है छोटा वाला, आपको इसी में ही चूज करना है नो डाउट। हाँ अगर वाइफ आपके साथ जा रही तो वहाँ चले जाना, और कलर में आप चूज नहीं कर सकते, ये आप मान लो वो उन्हें चूज करना है क्योंकि जब वो बोलेंगे मोब लेवेंडर तो आप हो जाओगे ये कौन सा बवंडर है, ठीक है। अब मेरा जो विजन कहता है वो क्या कहता है कि इंडिया का हर घर सुंदर दिखना चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपका बजट नहीं है लेकिन घर में पेंट तो हो गई होगा तो कलर्स के साथ कैसे प्ले करना है, वो पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसकी सारी वीडियो को देख डालो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट कर दिए, क्योंकि अक्सर हमें क्लाइंट्स कहते हैं कि यार मनीष जी आपने क्या काम किया वो हमें दिखाओ, तो हम वो सारी रील्स उस प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, वहां जाके आप सारे देख सकते हो, सारे फॉर्मेट शॉर्ट्स के अंदर होते हैं, तो आपको जरूर वो देखना चाहिए कि हमने जो डिजाइन किया वो बनने के बाद दिखता कैसा है। दर्शक लोग कहते हैं ना कि यार ज्यादा फोटो में दिखता है, एक्चुअल में नहीं बनता है, बस बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो और भी आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, हम लिंक्डइन पे जहां हायरिंग निकालते रहते हैं वहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो जहां पे अलग टाइप की पोस्ट और थियरी हम वहां पे सिखाते हैं लोगों को, और वेबिनार लास्ट 26th ऑफ जनवरी को आने वाला है, ज्वाइन कर लेना, लेट मत होना, मिलेंगे ठीक 2 बजे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।